देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर तो बारिश का कहर इतना ज्यादा है कि जगह जगह पानी भर गया है, जिस कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दक्षिणी राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर भारत में बारिश के साथ मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। केरल में बारिश के कारण हालात काफी गंभीर हैं। यहाँ भारी बारिश और भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से अब तक 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रही है। यहाँ एर्नाकुलम जिले में इदमलयार बांध के दो शटर आज सुबह 6 बजे 50-50 सेंटीमीटर के लिए खोले गए। बांध का वर्तमान जल स्तर 165.70 मीटर है, जिसमें पूरे जलाशय का स्तर 169 मीटर और अधिकतम जल स्तर 171 मीटर है। लंबे मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते सर्दियों की पहली बारिश ने भी 65 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वर्ष दिल्ली में अक्टूबर का महीना 1956 के बाद से सर्वदा गीला रहा है। इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 95 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 1910 में 185.9 मिलीमीटर, 1954 में 238.2 मिलीमीटर, 1956 में 236.2 मिलीमीटर, 1960 में 93.4 मिलीमीटर और 2004 में 89 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। आंकड़ों के अनुसार रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 87.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो एक दिन में चौथी सबसे अधिक बारिश है। 1910 में अक्टूबर में एक दिन में 152.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि 1954 में 24 घंटों के दौरान 172.7 मिलीमीटर और 1956 में एक ही दिन में 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। अक्टूबर महीने की औसत बारिश 28 मिलीमीटर है। 15 तारीख तक यह केवल 3.3 मिलीमीटर हुई थी, लेकिन दो ही महीने दिनों की बारिश के बाद सोमवार शाम 5:30 बजे तक यह 95 मिलीमीटर हो चुकी है, यानी 3 गुना से भी अधिक। इस बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और हवाओं में उलटफेर से अगले कुछ दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। मध्यम हवा और तापमान में कमी के साथ सप्ताह के बाकी दिनों में शहर में ठंड बने रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध भरी सुबह भी जल्द शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री अधिक 23.9 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री अधिक 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं हवा में नमी का स्तर 91 से 100% रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।